नहीं तो हम दोगला कहलाएंगे, हमारा खानदान दोगला कहलाएगा। तो मर्डर है, हत्यारे हैं वो। तो उनकी बेटी का ब्याह किया था, हम लोग को बुलाए थे क्या? लेकिन हम एक अपील करेंगे कि सुधरो, सुधर जाओ, पूरा परिवार सुधर जाओ। अगर पूरा परिवार नहीं सुधरेगा, वो आएगा तो सीधे मेरे पैर पर गिरेगा, मेरे पैर पर गिरेगा सीधे आकर के, मैं बता देता हूँ। तो भागीना है तो मुंह से बोलने से नहीं ना होगा, जाओ सीबीआई कार्यालय बगल में ना है, जाकर रिकॉर्ड देख लो। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव विराजमान हुआ करते थे और उसके खासम खास व्यक्ति उनके साले साधु यादव थे। लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास आई और दोनों के राह अब अलग हो चुके। तेजस्वी यादव के शादी के बाद लगातार बवाल मचा हुआ और तेज प्रताप यादव और साधु यादव आमने सामने। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे। साधु जी, तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि हम बिहार आएंगे तो गर्दा कर देंगे, औकात में रहिए, क्या कहेंगे इस तरह का बयान आपके लिए? वे मेरे गोदी में खेला है, मेरे कंधा पर खेला है, मेरे माथा पर सवार है, पैखाना करेगा तो हम माथा को साफ कर लेंगे, माथा को नहीं काटेंगे। लेकिन हम एक अपील करेंगे कि सुधरो, सुधर जाओ, पूरा परिवार सुधर जाओ। अगर पूरा परिवार नहीं सुधरेगा तो गीता का ज्ञान पढ़ लेना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। लेकिन सीधे तौर पे गीता का सार स्पष्ट है, जिस ऊंचाई को छूना चाहते हो, जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, वो ऊंचाई को बचा लो, नहीं तो नहीं बचने वाला है, स्पष्ट मानना है मेरा। हम तुम्हारा ही लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि सुधर जाओ, दलालों से हट जाओ, दलाल सब घेर लिया है, परिवार को नष्ट कर रहा है और बर्बाद कर देगा, खून खून होता है, समझ जाओ मेरी राय है। नहीं समझोगे तो धन दौलत सब यहीं छूट जाएगा, सब एक दिन भगवान के प्यारे हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे और हमारा नाम, हमारा कर्तव्य, हमारा कमाई चलेगा, नहीं तो हम दोगला कहलाएंगे, हमारा खानदान दोगला कहलाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा खानदान, मेरा कुल और खानदान में दोगलाई की बात और परिभाषित हो। कौन दुनिया में क्या बोलता है कि हमने लव किया, क्या किया, नहीं किया, जो लव करे लव जाने और जो नहीं करे वो जाने, उसकी मुबारक, उसकी भी मुबारक। मेरा यही राय है, सुझाव है कि सुधरो, नहीं सुधरोगे तो बस वही हाल होगा। एक चीज़ ये भी है, राजद के स्टार्टिंग पीरियड जो पार्टी तैयार हो रही थी उसमें आपका काफ़ी मेहनत है, आप ही काफ़ी सींचने का काम किया था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कल डायरेक्ट कहा है कि आप हत्यारा हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड है उसमें आपका हाथ तो है। आप पहले बताइए, ये मुँह से बोलने से नहीं ना होगा, आप ही के भागना है। अरे तो भागना है तो मुँह से बोलने से नहीं ना होगा, जाओ सीबीआई कार्यालय बगल में ना है, जाकर रिकॉर्ड देख लो, फिर बात करना, हम जवाब देंगे। बोले हैं कि हम आएंगे तो दो दो हाथ कर ले सामने आके। वो आएगा तो सीधे मेरे पैर पर गिरेगा, मेरे पैर पर गिरेगा सीधे आकर के, मैं बता देता हूँ। इतना बोल कर तब वो जाना वो सीधे मेरे पैर पर गिरेगा, मैं बता देता हूँ, वो आएगा तो मेरे पैर पर गिरेगा, इतने जान लीजिए, अब जाइए। एक और आखिरी सवाल है साधु जी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने शादी किया है, आपको लगता है कि जैसे आप धर्म को लेकर बात उठाएं कि हाँ एक ही यादव कास्ट में अगर होता तो काफ़ी अच्छी बातें होती। हमने क्या बोला आपको कि बात फिर वहीं घूम के आ गया, सब राम का कथा सीता का कथा कहानी हो गया, फिर आप वही बात बोल रहे हैं। आप बोले हैं हम तो वही बात बोल रहे हैं, तो वो तो बोल दिया ना कि जिसने भेजा हमको तस्वीर, जिसने तस्वीर भेजा बोला कि यही लड़की से शादी हो रहा है, इसी बात को लेकर के ये लोग बवाल कर रहे हैं कि लड़की नहीं है, दूसरी लड़की है। हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हम जो तस्वीर दिखाए हैं अगर ये नहीं है तो हम ये तस्वीर आपस ले लेते हैं, अगर आप में दम है तो आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन आपके बात में अगर दम नहीं होगा तो फिर परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिए। बात समझ गए कि हम क्या बोले? हम आप बोले हम बात आपस ले लिया कि फोटो नहीं है, ठीक है,
लेकिन अगर बाद में निकल गया फोटो तो फिर क्या होगा, इसलिए आप सोच समझ के बात करिए। एक चीज और है, तेज प्रताप यादव ने जो आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया वो तो खुद हमारा आरोप लगा हमारा कि हमारा हम साथ संबंध थे। अब लाइए, आप बोले लाइए ना भाई, इसी कारण वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ तो हम बोले थे ना, हम बोले थे तो सही ना बोले हैं, बच्चों को सुधरने का मौका दिया जा रहा है, सुधर जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। यही बात बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, हम बोल चुके हैं कि सुधर जाओ। दरोगा बाबू की खानदान और दरोगा बाबू के बड़ी ऊंची खानदान लालू यादव रबड़ी देवी से पहले बीपी सिंह बीपी मंडल मुख्यमंत्री बिहार के थे मधेपुरा का, और उसके बाद दरोगा बाबू मुख्यमंत्री रहे, ओकरा बाद लालू यादव बने हैं मुख्यमंत्री यादव में, ओकरा बाद बहन बनी है मुख्यमंत्री, हम ही बनाए हैं, ये सत्य है। तो सुधर जाइए, कुल खानदान में आग मत लगाइए, जाइए अपनाइए, कुल खानदान में दाग मत लगाइए, वंशावली बनाइए, वंश पैदा करिए, वंश को जीवित करिए, आप ही वंश का, आप ही के वंश का कुल खानदान चलेगा, नहीं तो कुल खानदान में दाग लगेगा, मिट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कोई नहीं पूछेगा। एक बार गिरेंगे ना, कबूतर अगर उड़ जाता है तो उड़ जाता है, समझिए हमारा भाषा क्या है। ये बिहार है, बड़ी मेहनत से सजाए थे हम लोग बिहार को, दरी बोरा बिछावना चट्टी बिछा करके और लोगों को जुटा करके, और तब ये सत्ता और संघर्ष का खेल हुआ था, जाइए पूछ लीजिए। ऐसा नहीं बनता है, एक से दो से तीन होता है, तीन से चार होता है, एक एक मिलता है तो दो होता है, समझिए। परिवार पूरी तरह से विरोध कर रहा है, आपकी भगनी हो भगना हो। हम कहाँ कह रहे हैं कि तू विरोध मत कर भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो सत्य बात बोल रहे हैं कि अगर सत्य पर तुमको मंजूर नहीं है, असत्य पर मंजूर है, डुप्लीकेट पर भरोसा है, ओरिजिनल पर भरोसा नहीं है, तो जाओ भाई डुप्लीकेट बनो, हमको क्या दिक्कत है। जैसे कारण क्या हो गया जब आप दोनों के राहें अलग हैं, तो आप जिस प्रकार से लगातार ये आरोप लगा रहे थे प्रताप के हम लोग के परिवार में, वो क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए कि कौन परिवार, कौन परिवार की बात बोल रहे हैं? प्रताप बोल रहे हैं। कौन परिवार, कौन परिवार है उसका? फुलवारी में रो रहा था ना, आप गए थे कि हम ही गए थे, हैं 20 बार हम ही को ना फोन किया था, रो रहा था पुका फार के कि हमको इंस्पेक्टर बेइज्जत कर दिया, तो 20 बार कॉल किया तो गए थे ना, ले आए ना थाना से निकाल के, बोलिए। तो हमसे ज़्यादा बहस कोई नहीं करे तो अच्छा रहेगा, हम गार्जियन के भूमिका में हैं, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो जाओ, लालू यादव के बाद साधु यादव है तो है, और नहीं है तो नहीं है। अब जी बात बोल रहे हैं, सारी बात हो गया, फिर वही बात बोल रहे हैं, आप बोले रिश्ता खत्म है, तो हम तो बोल दिए थे कि रिश्ता खत्म है, जब आप रिश्ता नहीं मानोगे तो मैं रिश्ता नहीं मानूंगा, आप रिश्ता मानो, डुप्लीकेट को मानो, ओरिजिनल को मानो, जिसको मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, लेकिन तुम्हारे ही संस्कार से दूसरी की संस्कार बनेगी, तुम संस्कार गिराओगे तो दूसरे का भी संस्कार गिरेगा, इसलिए मुझे चिंता है, अपने खून का चिंता है, कुल का खानदान का चिंता है, हवा में कौन क्या बोलता है मुझे उसका कोई परवाह नहीं, अगर परवाह करते, अगर हाथी परवाह करेगी तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार, तब तो हाथी घर से निकलवे नहीं करेगी, ये परवाह है। मैं देखूंगा बिहार क्या चीज है, मैं समझाऊंगा, अब बिहार समझेगा, घूमेंगे ही क्यों नहीं घूमेंगे, हम घर में, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम राजनीति करते हैं, हमारा पार्टी है बहुजन समाज, हम बहुजन समाज के पार्टी के लेकर के हम घूमेंगे, हाँ वही बात बोल रहे हैं, हम घूमेंगे, हम तो बार बार वही बात बोल रहे हैं कि हम तो अपना अलग हैं, हम आपके साथ आए भी नहीं, हम लेकिन हम कह रहे हैं कि कुल खानदान में दाग मत लगाओ, बार बार कह रहे हैं कि कुल खानदान में दाग मत लगाओ। देखिए सीधे तौर पे ये साधु यादव जी थे जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरा मामला हुआ उसको लेके वो पूरी तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, और परिवार के लिए ये हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं। रोहित यादव, NBC 24 पर।